हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल में, जो कि आज का मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी में हमने आपसे कहा था कि 9 बजे आप लोग ज़रूर अपनी लाइटें सारी ऑफ कर दें और मोबाइल की फ्लैश लाइटें चला दें, क्योंकि यह वीडियो मोबाइल की फ्लैश लाइट में ही बन रहा है। तो आप लोग इस चीज़ में योगदान दें, यानी कि आज अभी मैं कैंडल जलाना, जो कि मेरे हाथ में कैंडल ही है, ठीक है। और तो कैंडल को जलाने के लिए यहाँ पे बहुत ही हवा चल रहा है, जो कि हम इस चीज़ को अलग दिशा में देख चलते हैं। जो कि हमारा ट्राइपॉड फंस चुका है कहीं, ट्राइपॉड को नहीं ले चलते हुए हम यहीं पर रख देते हैं ट्राइपॉड, और अपना कैंडल हम जलाते हैं। कैंडल को हम यहाँ जला रहे हैं और आप लोग जरूर सही होगा, जो कि ऊपर तेज हवा चल रही थी इसलिए मैं नीचे आ गया और कैंडल को जलाता हूँ। कैंडल को जो कि इस मुहिम में मैं जरूर शामिल होऊंगा, क्योंकि अगर नहीं शामिल अपने अधिकार के लिए ना लड़े तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अधिकार के लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं इस मुहिम में शामिल हुआ हूँ और ये मैं कैंडल जला रहा हूँ, ऊपर तेज हवा, बहुत तेज हवा चल रही थी इसलिए मैं नीचे आ गया। ऊपर कोई और मैं सेफ जगह से चला रहा हूँ जिससे कोई छत न पहुंचे, और यदि आप लोग इस मूवी में नहीं शामिल हुए तो बहुत ही अच्छाई की बात नहीं है, और हम लोग जरूर शामिल, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग जरूर शामिल हुए होंगे। जो कि मैं जो अपना नेट नहीं देख रहा हूँ, व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते होंगे और मैं नहीं देख रहा हूँ। इस मूवी में जो मैं 5 कैंडल लाया था अपने लिए, इस 5 कैंडल को मैं जला देता हूँ क्योंकि अंधेरा है, और 9 मिनट के लिए हमारा जो मुहिम उसको सफल बनाना है, तो मैंने 5 कैंडल को जला दिया। तो प्लीज इस चीज से बस यही जागरूकता फैलानी कि हमारी सरकार को पता चले लड़के कितने परेशान हैं, जो हमारे युवा भविष्य हैं वो कितने परेशान हैं। तो युवा भविष्य के लिए प्लीज कुछ ना कुछ जरूर वैकेंसी निकालें और एग्जाम कंडक्ट कराएं, जो कि युवा अपने एक जीवन रोजगार को आगे प्रोग्रेस कर सकें, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए कहते हैं शिक्षा एक जनसिद्ध अधिकार है। तो एक ए भी नारा एक ए, ए भी बात है हमारे संविधान में लिखना चाहिए कि नौकरी हर एक व्यक्ति के लिए जो उसके मतलब योग्य हो उसके लिए जरूर जनसिद्ध अधिकार होना चाहिए, जो कि हमारे संविधान में परिवर्तन करना चाहिए, और जो जिसके योग्य है उसके नौकरी मिलना चाहिए। तो इसी बात को हम लोग अपने 5 कैंडल के द्वारा मैं प्रदर्शित करना चाहता हूँ, जो कि आप लोग जरूर शामिल होंगे, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जरूर शामिल हुए हैं, जो कि अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और इस बेरोजगारी में जरूर लड़े। और अगर आप लोगों ने देखा कि 5 सितंबर को ही जो हम लोग बेरोजगारी के लिए लड़ा, तो उसमें 5 सितंबर को ही एक सफलता मिली, जो कि NTPC का डेट डिसाइड किया गया कि दिसंबर में होगी, जो कि डेट अभी डिसाइड नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने सहयोग दिया, जो 5 सितंबर सहयोग दिया, आज मैं आशा करता हूँ सभी लोगों ने सहयोग दिया होगा। तो आगे वाले प्रोसीजर को मैं बढ़ाऊँगा, हो सकता है और कुछ भी हो नोटिफिकेशन मैं आपको जरूर कंटेक्ट कराऊँगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं सभी भाइयों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज जैसे हम बेरोजगार में फंसे हैं,
ये मत सोचिए आप नहीं आएंगे, आपकी भी बारी आएगी। तो सभी से मेरा निवेदन है, जल्द से जल्द जागो और जगाओ, हमको मत देना। और इस मुहिम में सभी लोग शामिल हो, जो कि हर एक युवा के लिए यह है कि भविष्य का जो भी है भविष्य में दुखदाई है, तो इस मुहिम में ज़रूर शामिल हो। अगर आप आज हमारे पे आई है तो कल आप पे आएगी, तो ज़रूर इस चीज़ को बनाए रखें। तो बस मैं यही अपने जो सब्सक्राइबर से करना चाहता हूँ और अपने YouTube पर देखने वालों से कहना चाहता हूँ कि हर एक लोग इस मुहिम में शामिल हो, क्योंकि आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस मुहिम को ना रोका जाए, अपने हक के लिए ना लड़ा जाए, तो हर एक व्यक्ति परेशान रहेगा। और इस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक 9:09 के लिए बस कैंडल मार्च जलाने के लिए कहा है और सारी लाइटें ऑफ करने के लिए कहा है, जो कि हम अभी कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए अगर आप लोग सहयोग दें तो ज़रूर ज़रूर। आप लोगों ने इसका एग्जांपल देख लिया है कि 5 सितंबर को 5 बजे आप लोगों ने इस चीज़ को देख चुका है, तो इस मुहिम में ज़रूर शामिल हो। तो 5 सितंबर को हमने जो मुहिम चालू किया था कि खाली लोटा जो भी कुछ आपके पास हो बजाने के लिए, उसमें NTPC का जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है दिसंबर में, जो कि एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है। दिसंबर में हमारे रेल मंत्री जी ने ज़रूर कहा है कि हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वह मतलब दिसंबर में होगा। तो इस मुहिम में अगर आप लोग अभी भी शामिल होते हैं तो ज़रूर अगले सारी वैकेंसी क्लियर की जाएंगी, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, रिजल्ट आएंगे। तो अगर आप लोग वैकेंसी भी आएगी, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर आगे बढ़ाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी भी हमारे देश में जो इस युवाओं की भविष्य है खतरे में है, अगर आप लोग अभी अपने अधिकार के लिए नहीं जगे तो देर हो जाएगी। अगर इस देर को आप लोग सह सकते हैं तो कोई बात नहीं तो आप लोग इस चीज़ को आवाज़ उठाइए, इस मुहिम में ज़रूर शामिल हो। धन्यवाद।